और एक सिलेंडर में कितनी शेप्स आती हैं ये डिस्कस किया उनका उसके सरफेस एरिया पर वर्क किया और उसका वॉल्यूम फाइंड आउट किया और उससे रिलेटेड बहुत से क्वेश्चन सॉल्व किए आज हमने रिव्यू एक्सरसाइज में भी यही सब काम करने हैं अगर पहले क्वेश्चन की बात करें तो सबसे पहले उन्होंने आपको कुछ मल्टीपल क्वेश्चन दिए हैं मल्टीपल चॉइस दी हैं है। सबसे पहले उन्होंने डिवाइडिंग ऑफ अ सर्कल बाय इट्स डायमीटर अगर मैं सरकम सर्कम फेरेंस को उसके डायमीटर से डिवाइड करूं तो मेरे पास क्या आएगा मेरे पास पाई की वैल्यू आएगी क्योंकि सी इज इक्वल टू पाई डी अगर मैं डी को दूसरी तरफ जाकर डिवाइड कर दूं तो वो किसके इक्वल रह जाएगा पाई के इक्वल रह जाएगा और स्टूडेंट्स ये हमने पिछली वीडियोस में सीखा भी है इसी तरह स्टूडेंट्स आपने इस कुछन, इस क्वेश्चन के बाकी पार्ट को भी सॉल्व कर रहे हैं अगर हम सेकेंड पार्ट थर्ड पार्ट फोर्थ और फिफ्थ की बात करें तो उन्होंने आपको डिफरेंट ऑब्जेक्ट के सरफेस एरियाज और उनके वॉल्यूम फाइंड आउट करने को कहा और ये सब काम आप पिछली एक्सरसाइज में करके भी आए हैं और पिछली वीडियोस में सीख के भी आए हैं मैं उम्मीद करती हूँ आपको आज का लेसन समझ में आएगा stay tuned till next video allah hafiz